अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आजाद अंसारी बुलंदशहर पहुंचे, जहां पसमंदा मुस्लिम की बात सरकार के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पसमंदा मुस्लिम ने भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने सरकार के कार्य की सराहना करते हुए योजनाएं भी गिनाई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा लगा के वो कहते हैं कि मुझे वोट दो, तुम जितना मुझे वोट दोगे उतना तुम्हें हिस्सा दूंगा अलग अलग योजनाओं में। लेकिन इसी लालच में, इसी गफलत में हम मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन हमारी भागीदारी क्या हुई, हमारी हिस्सेदारी क्या मिली, ये सोचने की बात है। आज आप बताइए, एक आम मुस्लिम पसमांदा समाज का ये नौजवान दानिश आजाद अंसारी, मैं एक आम मुस्लिम परिवार में जन्मा हूं, मेरा घर आज भी कच्ची मिट्टी का है, लेकिन एक आम मुस्लिम नौजवान को, इस आम पसमांदा नौजवान को कौम की खिदमत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने सीधे उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस उत्तर प्रदेश का मंत्री बना के हम मुसलमानों की तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया है। इससे पहले कौन मंत्री बनते थे, इतिहास उठा के देख लीजिए। मुस्लिम समाज के मंत्री बनाने की बात आती थी तो कुछ बड़े नेताओं के लड़के, कुछ बड़े बड़े नेता जो केवल और केवल हफ्ते में और महीने में कुछ घंटे हमसे मिलते थे, उन नेताओं को मंत्री बना के हमारे ऊपर बैठा देने का काम ये सपा और कांग्रेस करती थी। लेकिन एक आम मुसलमान को मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मैं सीना ठोक के कहता हूं कि वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी बताएंगे क्या रहा। देखिए, जनपद बुलंदशहर में इस पसमांदा पंचायत में आज मैं शामिल हुआ और मैं ये खुले मंच से कहता हूं कि पसमांदा समाज के उत्थान की बात पहली बार अगर किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पसमांदा समाज के उत्थान की चिंता हमेशा मुस्लिम समाज के बीच रही, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी पसमांदा समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच और खुले मन से पसमांदा उत्थान की बात कही और न केवल कही बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया, आज आप देखिए तमाम जो माइनॉरिटी के इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मदरसों के तालीम को हमने बेहतर किया, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में हमने विकास का काम किया, तमाम योजनाओं का लाभ पिछड़े पसमांदाओं को मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पसमांदा उत्थान को तालीम से, तरक्की से, रोजगार से, उनके उद्योग से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गरीब भाई, आप तो कह रहे हैं कि मदरसों के लिए काम किया, लेकिन मदरसे वाले तो परेशान के, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए दुनिया भर की शर्तें लगाई गई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम किया, पारदर्शी तरीके से उसकी व्यवस्थाएं चले, मदरसा शिक्षा के माध्यम से हम अपने मुस्लिम नौजवानों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराए, दीन इस्लाम के साथ साथ हमारा नौजवान आधुनिक शिक्षा का हिस्सा बने, इस लक्ष्य के साथ हमने काम किया, उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, मदरसे के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। हमें किस तरह का रजिस्ट्रेशन जिसे सरकार करा रही है, उनमें संख्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, और इस तरीके के सर्वे करा रही है, एक तरीके से ऑडिट भी हो रहा है। अगर क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, अगर सरकार जो है उनको इंग्लिश मीडियम का कोर्स पढ़ाना चाहती है दीन इस्लाम के साथ, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को इससे आपत्ति है। अगर सरकार ये कराना चाहती है कि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन माइनॉरिटीज को मिले, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को इससे आपत्ति है। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारा आम मुस्लिम नौजवान जो उन मदरसों में पढ़ने जाता है, उन मदरसों से पढ़ के समाज के मुख्य धारा से जुड़े, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मुसलमान को इससे कोई आपत्ति है। आज हम बेहतर व्यवस्था, बेहतर सुविधा हमने मदरसों में दिया, पारदर्शी व्यवस्था मदरसों में है, और उत्तर प्रदेश के हमारे जो 16,531 मदरसे हैं, हर मदरसों को अच्छी व्यवस्था और अच्छी मूलभूत सुविधाओं से हम जोड़ रहे हैं। इसके सवाल हमने पूछे गए थे, सबने जवाब दे दिया, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, एक मिनिस्टर भी, एक विधायक भी, एक आम आदमी भी अपना ITR भरता है, ये इसका टैक्स देता है, तो अगर ये नॉर्मल चीजें अगर कोई भी कर रहा है तो इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मदरसों को हमेशा हमने बेहतर सुविधा दी,
मदरसों को विकास के टारगेट से हमने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के किसी भी मदरसे को हमने कोई आँच नहीं आने दी, मदरसे की व्यवस्थाओं को हमने बेहतर किया, मदरसों को हमने सुचारू किया। ये हमारी योगी सरकार की सकारात्मक नीति का एक नतीजा है। मंत्री जी, आप जो आए हैं ये अब से पहले एक पहला दौरा आपका जनपद में है और ये लोकसभा चुनाव के ठीक समय पर आप आए हैं, तो यह पसमंदा समाज की चिंता है या भाजपा की लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की वोट दिलाने की आपको चिंता है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में लगातार अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के बीच में जा रहे हैं। अभी हम शामली में इसके बाद जाएंगे, इससे पहले हम दादरी से होके आए हैं, पिछले हफ्ते हम बनारस में थे, उसके पिछले महीने हम गाजीपुर में थे, उसके पिछले महीने हम सिद्धार्थनगर में थे। तो उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं और हर जनपद में पहुँचना ये हमारा लक्ष्य है। आज आप देखिए, योगी और मोदी सरकार के मंत्री हर जनपद में पहुँच रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले की सरकारों में, सपा की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में, आप सब ने देखा किस तरीके से उनके मंत्री, उनके विधायक केवल सीमित दायरे तक अपने आप को उन्होंने बांध के रखा था और केवल वो मुस्लिमों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन मोदी सरकार, योगी सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हम धरातल पे उतर के मुस्लिम समाज से संवाद करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके सवालों को सुनते हैं, उनके सुझावों को मानते हैं और सरकार की सार्थक नीतियां उन तक पहुंचाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितना प्रतिशत मुस्लिम समाज भाजपा को वोट कर पाएगा? आज मुस्लिम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है और ये विश्वास इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया। चाहे उनकी तालीम की बात हो, चाहे उनकी तरक्की की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो, हर कसौटी पे मोदी और योगी सरकार मुसलमानों के खरी उतरी। मंत्री जी, आप तो मोदी जी योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ना तो अल्पसंख्यक उसका संगठन, ये पार्टी का कार्यक्रम होता तो ये चुनावी कार्यक्रम लगता आपको? आपने अपने सवाल का जवाब खुद दिया कि ये आम मुसलमान खुद हमें बुला रहा है और खुद हमसे संवाद कर रहा है और खुद ये कह रहा है कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या को दूर करो। और हम मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं राजनीतिक रूप से नहीं, हम सामाजिक रूप से जाके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, मुस्लिम और भाजपा के बीच की जो दूरी देखी गई है, क्या वो कम हो रही है अब? निश्चित तौर पर आज 2023 का निकाय चुनाव अगर आप देखेंगे जो पिछले साल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हमारे एक दर्जन से अधिक चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल और मुस्लिम समाज के लोग जीत के आए, 80 से अधिक सभासद और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत के आए। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और उनको वोट भी दिया। उसी दूरी को कल कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम मोदी जी के विजन को, योगी जी के विजन को धरातल पर ले जा रहे हैं और दानिश अंसारी इसी कौम का बच्चा है, इसी कौम का नौजवान है, इसी कौम के बीच से निकला है और इसी कौम के खिदमत के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान या पसमंदा समाज, बाबरी मस्जिद भूल गया? आइए।